मैं तो जस्ट एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं कैसे सक्सेस पाऊंगा अपनी लाइफ में। ये जो रैंक होल्डर्स हैं जिनकी रैंक 1, 2, 3 आ रही है, स्कूल में टॉपर रहे वो बच्चे, कॉलेज में टॉपर रहे और अब प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर भी अपने झंडे गाड़ रहे हैं, इनके इनको देख करके लगता है कि ये बड़े सक्सेस होने वाले हैं। और मैं ऑन द अदर साइड आई एम जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, मैं कैसे सक्सेस पाऊंगा अपनी जिंदगी में, यही सोचता था दोस्तों। मैं यही सोचता था क्योंकि मेरी कभी स्कूल में रैंक नहीं आई, मैं कभी किसी प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर टॉपर नहीं रहा। और यही एक सोच मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में आज भी यही बात चलती है कि when they look at the toppers, they are like, they're in awe. उनको लगता है कि यार मैं तो जस्ट एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं तो सक्सेस नहीं पा पाऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो में इस बात को कन्वे करना चाहता हूं आपको, दिस इज माई एक्सपीरियंस एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन इन माई एंटायर लाइफ। आप इस बात को समझ लीजिए कि एवरेज स्टूडेंट सक्सीड इन देयर लाइफ। If you are an average student, congratulations, you will succeed in your life. उसके बहुत सारे reasons हैं दोस्तों। उसका reason number एक ये है कि अगर आप एक average student हैं, तो इसका मतलब आप अपना सारा का सारा समय सिर्फ पढ़ाई में नहीं लगा रहे। आपका सिर्फ एक aim नहीं है, रट्टा मारो, exam दो और ranker बनो। ये आपका गोल नहीं है। आपका गोल क्या है? यू आर लिविंग योर लाइफ। आपका चहुमुखी विकास हो रहा है, आपको चारों तरफ की नॉलेज है, आपकी दोस्तों के साथ भी पढ़ती है, आप दुनिया भी घूम रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में भी हैं, आप रिलेशनशिप्स में भी हैं, यू आर गिविंग टाइम टू योर फैमिली, आप लर्न भी कर रहे हैं चीजों को, चैलेंजेस को भी फेस कर रहे हैं। ये सब कुछ आपका पूरा एक कंप्लीट विकास करता है। इस वीडियो का जो पर्पस है मेरा वो ये है कि मैं आपको इस बात के लिए समझाऊं दैट एवरेज स्टूडेंट्स आर द पीपल हु विन। सो माय सजेशन टू यू, ये दिस मे बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल व्हेन यू हियर दिस, आई रियली वांट टू से डोंट एम फॉर रैंक। लेट मी बी वेरी क्लियर, जरूरत ही नहीं है आपको रैंक को क्लियर को टारगेट करने की। क्लास में मैं फर्स्ट आ जाऊं, मैं इस एग्जाम के अंदर फर्स्ट आ जाऊं, यू नो आई वांट टू बिकम द टॉपर, देयर इज नो नीड। सी, देखिए इस बात को समझिए, ये अगर आप स्कूल की बात करें, अगर आप कॉलेज की बात कर लें, या उसके बाद अगर कोई प्रोफेशनल एग्जाम भी आप दे रहे हैं, अगर आप इन सब की बात कर लें, तो क्या किस तरह की लाइफ है? मान लीजिए ये हो गया 12th तक का, इसका मतलब आप क्या मोटा मोटा 18 साल, आपका कॉलेज हो गया मोटा मोटा 21 साल, ये आपका कॉलेज हो गया जिसके अंदर सपोज आपने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद आपने प्रोफेशनल एग्जाम दे दिए, मान लो 3 से 5 साल आप उसमें और ऐड कर लो, तो ये हो गए आपके 25 से लेकर के हट मार के 27 साल मोटा मोटा। अब मेरी बात को ये समझ लीजिए कि अगर आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ये जो एक छोटी सी लाइफ चल रही है आपकी, इस लाइफ के अंदर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आ भी गए, तो उससे आपने क्या अचीव कर लिया? जो रियल लाइफ, आप समझिए, जो रियल अनस्क्रिप्टेड लाइफ आपकी चलने वाली है, अनस्क्रिप्टेड लाइफ, वो लाइफ जिसका कोई सिलेबस नहीं होने वाला, अनस्क्रिप्टेड लाइफ है, बिना सिलेबस आने वाली है। उसके अंदर ये नहीं होने वाला कि ये है किताब और इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ये रही किताब और इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। जिस आदमी को इसकी लत पड़ गई ना कि किताब को मैं पढ़ूं और उसी में से क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चंस का मैं आंसर दे दूं और उसके बेसिस पे मुझे रैंक आ जाए और उसी बेसिस पर मेरी जिंदगी सेट है, ये फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं आप, ये फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इसी तरीके के लोग हैं जो जिंदगी के अंदर मोटा मोटा कुछ करने में सक्षम नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने चैलेंजेस, जो रॉ चैलेंजेस हैं लाइफ के, उस रॉ चैलेंजेस को उन्होंने फेस नहीं किया। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बात समझाना चाहता हूं दैट इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, कांग्रेचुलेशंस, डोंट फेल, ओके, डोंट फेल। वेल, इवन इफ यू फेल, देयर इज नो प्रॉब्लम। बहुत सारे दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी में बहुत बार फेल हुआ, आई फेल्ड इन स्कूल, आई फेल्ड इन माय प्रोफेशनल एग्जाम्स, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु फेल मल्टीपल टाइम्स। फेलियर आपको तैयार करता है जिंदगी में सफलता के लिए। अगर आपने फेलियर का स्वाद नहीं चखा ना, बहुत सारे रैंकर्स और टॉपर्स, दे गो इनटू डिप्रेशन समटाइम्स। क्यों? जब जिंदगी अनस्क्रिप्टेड सामने आती है ना, तो उसके लिए तैयार नहीं होते। और आपको यह बात समझनी चाहिए, यू शुड फील प्राउड। तो अगर आप एक स्टूडेंट है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो 50-60% मार्क्स लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली, आपके पास जो जिंदगी का तजुर्बा और जो नॉलेज है वो किसी भी टॉपर से कहीं ज्यादा है। और अगर ऐसा है तो चांसेस ये है दोस्तों कि जब ये अनस्क्रिप्टेड लाइफ आपके सामने आएगी ना, जब आउट ऑफ सिलेबस लाइफ आपके सामने आएगी, तो आप कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, आप घबराएंगे नहीं।
मोस्ट ऑफ द रैंकर्स दे गेट गुड पैकेजेस इन गुड कॉर्पोरेट्स इन गुड जॉब्स. इट्स मोर ऑन अ स्क्रिप्टेड लाइफ. राइट, मतलब ये हुआ कि इवेंचुअली इनके साथ होगा क्या, दिल गो इन टू नॉर्मल सिंपल जॉब्स, वहां भी उनको स्क्रिप्ट चाहिए. स्क्रिप्ट क्या चाहिए उनको, ये स्क्रिप्ट चाहिए कि बताओ भाई मुझे क्या करना है, करना क्या है. और उनको सुबह से शाम काम करने के लिए दे दिया जाएगा कि भाई ये एक सेट काम है, इस सेट काम को आप करते रहो. वही रैंकिंग वाला सिस्टम, वही पढ़ाई वाला सिस्टम. इधर किताब में से क्वेश्चन आने वाले हैं, इधर ये सेट पैटर्न है, इनको पढ़ लो, सुबह आओ ये काम करो और चले जाओ. मोस्ट ऑफ द पीपल हु बिल्ड बिग बिजनेसेस आर द पीपल हु गो अगेंस्ट दिस लाइफ. दे से आई एम नॉट गोना गो अगेंस्ट, आई एम गोना गो अगेंस्ट दिस लाइफ. ये नहीं चाहिए मुझे, चैलेंजेस चाहिए. आई वॉन्ट एन अनस्क्रिप्टेड लाइफ, आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग ऑन माई ओन, आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन माई ओन. And then they keep those toppers as their employees. कहा था ना Bill Gates ने कि मेरी क्लास के जो टॉपर्स थे आज मेरी कंपनी में काम करते हैं. Bill Gates ने कहा मैं कभी टॉपर नहीं था, लेकिन मेरी क्लास के जो टॉपर्स थे आज मेरी कंपनी में काम करते हैं. तो ये जो प्रेशर लेके चलते हैं ना आप अपने दिमाग पर कि मुझे रैंक लानी है, मुझे टॉप करना है, मुझे तो फर्स्ट यू नो आई वांट टू गेट द फर्स्ट रैंक एंड गेट द सेकंड रैंक, ऑल ऑफ दैट. This is not necessary. क्यों? क्योंकि रियल जिंदगी, ध्यान रखिएगा, रियल जिंदगी इसके बाद शुरू होती है आपकी. और जब इसके बाद रियल जिंदगी शुरू होती है वो अनस्क्रिप्टेड होती है. अगर मेरी बात समझ में आई सो फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर एन एवरेज स्टूडेंट. और इसका रीजन क्या है, सिंपल सा कह दो अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में इस बात को फैला दो, एवरेज स्टूडेंट सक्सीड. इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, a high five to you.